तो मुझे मैंने देखा 53 साल में कईयों प्राइम मिनिस्टर्स को देखा और कईयों चीफ मिनिस्टर्स को भी देखा, कोई ऐसा नहीं बोला जैसा मोदी साहब बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं मोदी साहब? देखो, वो जातीय जनगणना करके आपका एक्सरे करेंगे घर का, घर में जो कुछ भी है सोना चांदी और आपके घर में जो भी संपत्ति है उसका बंटवारा करेंगे। अरे हम तो 55 साल हुकूमत किए, कभी किसी के पास छीन लेके हमने किया? किसी का मंगलसूत्र हमने छीना? लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऐसा बोलते हैं तो मुझे अजब लगा। और मनुष्य को कम से कम ये ध्यान होना चाहिए कि क्या इमीडिएटली जो संविधान हमारे पास है उसके तहत जब हम सभी लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने उसके खिलाफ चल रहे हैं। तो ये जो कहना कि एक्सरे करके तुम्हारे घर में सोना है, आधा सोना लेंगे, अगर आपके घर में 2 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ जमीन दूसरों को दिलाएंगे, और यहां तक भी बोले, मैं अहमदाबाद में था तब उनकी भी एक रैली चल रही थी और मेरी एक रैली भी उधर चल रही थी, वहां तो उन्होंने अजब कर दिया, अजब गजब क्या बोलते हैं कर दिया। क्या है? देखो मेरे गुजराती भाइयों, आपको दूध देने वाले गाय भैंस ये जो भी है और अमूल्य को आपने जो दूध बेच के अपने घर चलाते हो, तो कांग्रेस वाले सत्ता में आएंगे तो आपके पास अगर 2 भैंस है तो 1 भैंस मुसलमानों को देंगे। आप सुने होंगे, पढ़े होंगे या देखे होंगे। तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर बोलता है, मेरे को ताजुब लगा। तुम्हारे भैंस, तुम्हारी मंगलसूत्र, तुम्हारा सोना चांदी, ये सब ऐसा बोल बोल के कितने दिन बेवकूफ बनाएंगे।